हेलो दोस्तों, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग देख रहे हैं जेपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें से हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे 2013 का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में 2013 का क्वेश्चन पेपर। ओके, जिसमें से हम लोग पार्ट वन एवं पार्ट टू देख लिए थे। ठीक है, अब देखते हैं आज की क्लास में पार्ट थर्ड देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे समझने की बात है कि जो हम लोग देख रहे हैं तो पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थर्ड, है ना, पेपर वन की बात कर रहे हैं 2013 का। ओके, तो पेपर वन का बात कर रहे हैं, उसमें से पार्ट वन हम लोग देख चुके हैं, पार्ट टू भी हम लोग देख चुके हैं, पार्ट टू हो रखा है। ओके, और पार्ट वन भी हो रखा है। तो इसमें से हर पार्ट में 25 क्वेश्चन का लेके चल रहे हैं हम लोग। ओके, हर क्वेश्चन, हर पार्ट में 25 लेके चल रहे हैं। ओके, तो पार्ट वन और पार्ट टू हो रखा है, है ना। 25 क्वेश्चन मतलब 50 क्वेश्चन हो रखा है ना। आज की क्लास में हम देखेंगे पार्ट थ्री। ओके, पार्ट थ्री में देखेंगे 51 से लेकर 75 तक। ओके, हर पार्ट में कोशिश कर रहे हैं कि 25 क्वेश्चन कवर हो जाए विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में। अगर चाहेंगे हम लोग कवर करना है तो एक दिन में सारा कवर हो जाएगा, बट ऐसा नहीं करना है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, है ना। तो पहले देखते हैं आज देखेंगे पार्ट थर्ड, जिसमें हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 51 से। पिछले क्लास में पार्ट टू में हो रखा है 50 तक क्वेश्चन, आज देखेंगे 51 से। ओके, तो अब देखते हैं 51 पहुँचते हैं, इधर हो रखा है। ओके, तो ये देखिए, ये वाला भी हम लोग पार्ट टू कर चुके थे पिछले क्लास में, है ना। पार्ट वन हो गया था, उसके बाद पार्ट टू भी कर रखे हैं। ओके, अगर आप अभी तक वीडियो को देखे नहीं हैं तो वहाँ पे आप जाइए। ओके, पार्ट वन देख लीजिए, पार्ट टू देख लीजिए, आज देखेंगे हम लोग पार्ट थर्ड। ओके, देखिए पार्ट टू भी हो रखा था 50 क्वेश्चन, यहाँ पे देख लीजिए, है ना। लास्ट क्वेश्चन हम लोग किए थे, एक क्वेश्चन था 50 क्वेश्चन। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन ये था। ओके, 50 का ये हो रखा था। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आज देखेंगे पार्ट थर्ड। पार्ट टू हो गया था, ये आज है पार्ट थर्ड। ओके, तो अगर हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको वीडियो के साथ नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगर साथ में आप अगर जेपीएससी का या तैयारी अगर सीरियस एस्पिरेंट्स हैं तो आप जाइए प्लेलिस्ट बना वहाँ पे, जेपीएससी के जितने सारे सिलेबस हैं प्री और मेंस का, है ना, स्टेप बाय स्टेप लाइन बाय लाइन सारा कवर किया हुआ है, है ना। प्री का हो या मेंस का, सारे कवर कर रखे हैं, है ना। यहाँ बात करें लैंग्वेज पेपर, है ना, तो लैंग्वेज पेपर में भी खोटा का किया गया कवर। ओके, सिलेबस में अगर आप कवर देखना चाहते हैं, है ना, उसका सारा कवर किया हुआ है सिलेबस का खोटा का, है ना, तो आप देख सकते हैं। ओके, और साथ साथ में अगर वर्ल्ड मैपिंग का और इंडियन ज्योग्राफी का अगर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, है ना, आप देख सकते हैं। ओके, वर्ल्ड मैपिंग में अगर बात करें, है ना, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका सारे कवर हो रखे हैं, है ना, फुल डिटेल में, है ना, आसान भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, है ना, आप देख सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 51। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, किस आयोग ने, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, किस आयोग ने अस्थाई राज्य परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया, है ना, किसने किया। पहला ऑप्शन है पंछी आयोग, सरकारी आयोग, राधा कृष्ण आयोग और मोयली आयोग। ये आपके पास चार ऑप्शन है, है ना। तो इसका जो अस्थाई राज्य परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, इसका जो समर्थन जो किया था, किसने किया था, तो सरकारी आयोग ने। ओके, तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा क्या, सरकारी आयोग ने किया था। ओके, देखिए क्या था दोस्तों, कि जो ये जो सरकारी आयोग जो थी, है ना, यही आयोग ने अंतर्राज्यीय परिषद जो है, है ना, जो अंतर्राज्यीय परिषद जो है ना, सरकारी परिषद के नाम से जाना जाता है, इसका जो समर्थन किया था सरकारी आयोग ने किया था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे 52। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने के स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। ओके, देखिए पहला ऑप्शन है घेराव, अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, शांतिपूर्ण इकट्ठा होना, एकत्रित जनता,
जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए। ऑप्शन डी ए, इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। ओके, तो देखिए क्या बात कर रहा है, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने के स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बोल रहा है नहीं आता है, ठीक है। कई बार कहता है बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, है ना, पूछता है होता है तो बोलते हैं कि नहीं आता है ना, तो इसलिए कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पे बोल रहा है नहीं आता है, ओके, तो नहीं आता है तो इसमें जो मेन जो इसका जो आएगा, हाँ नहीं आता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा आपका ए हो जाएगा, चूँकि नहीं बोल रहा है, है ना। घेराव अफसर जो अपने कर्तव्य नहीं निभाते हैं, ए आपका होगा, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, 53 क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा है, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे किस बात कह रहा है, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के एक तिहाई न्यायाधीश, एक तिहाई की बात कर रहा है, 1/3, ओके, दूसरे राज्य से होने चाहिए, एक तिहाई जो न्यायाधीश हैं दूसरे राज्य से होने चाहिए, ओके। तो न्यायाधीश PN भगवती, न्यायाधीश हिदायतुल्ला, न्यायाधीश SR खन्ना और न्यायाधीश चंद्रचूड़। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा 53 का, ओके, इसका जो करेक्ट आंसर सी होगा, न्यायाधीश SR खन्ना, न्यायाधीश SR खन्ना। देखिए क्या है, जो विधि आयोग के अध्यक्ष जो हैं न्यायाधीश SR खन्ना ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है, है ना, क्या समर्थन किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के एक तिहाई न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए, इन्होंने किया है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 में बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है, ओके। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ठीक है, किसको सौंपता है, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन रिपोर्ट हो रखे हैं, है ना। अब देख लीजिए JPSC का, BPSC का, UPPCS का, सारे क्वेश्चन का, स्टेट PCS का देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट बार बार होते हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन सब है, है ना। शपथ को दिलाता है तो त्याग पत्र कौन किसको देता है, सारा क्वेश्चन पूछता है, ओके। यहाँ देखिए अब क्या बोल रहा है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है। पहला ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश और भारत का प्रधानमंत्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भारत का उपराष्ट्रपति, इसका क्या आंसर होगा, भारत का उपराष्ट्रपति। जो भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा, तो अपना उपराष्ट्रपति को, ओके। देखिए होता है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है, ओके। दोस्तों राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रधान होता है, जो राष्ट्रपति होता है भारत का संवैधानिक प्रधान होता है, ओके। अब भारत का राष्ट्रपति जो होता है भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है, आपको पता होगा, है ना, आप पढ़े होंगे, है ना। तो भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है कौन, राष्ट्रपति। अब भारतीय संघ कार्यपालिका की शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति में ही निहित होती है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 55 में, ओके। क्वेश्चन नंबर 55 बोलता है कि जब राष्ट्रपति की मृत्यु, राष्ट्रपति की मृत्यु त्याग पत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को निभा नहीं सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, ठीक है। जब राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दे या पद पे ना हो, है ना, तो कितने, मतलब उपराष्ट्रपति बात कर रहा है कि कितने दिन तक वो राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है, राष्ट्रपति के रूप में कर सकता है, है ना। पहला ऑप्शन है 5 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 1.5 वर्ष, 1 वर्ष, अच्छा माँ। तो इसमें आंसर देने की कोशिश कीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका डी होगा, 6 माह तक, ठीक है। यहाँ तक समझने की कोशिश कीजिए क्या होता है कि राष्ट्रपति के मृत्यु, त्याग पत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को निभा नहीं सकता है तो उपराष्ट्रपति जो है वो छः माह के समय तक, ठीक है, छः महीने बात किया है, ओके। तो 6 महीने तक, है ना, राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है कौन, उपराष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर,
ओके, राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति है ना, मतलब राष्ट्रपति के कार्य करता है, ओके। और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि जो कितने होती है इसकी, 6 महीने की होती है। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव कर लेना अनिवार्य होता है, ठीक है। 6 महीने तक इसका होता है, मैक्सिमम होता है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, 56। इसे बोल रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है, कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है ना। तो इसका ऑप्शन पहला है 1 माह, 6 सप्ताह, 8 सप्ताह, 6 माह। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर जो हो जाएगा है ना 56 का, वो कितना हो जाएगा, 6 माह, ओके। कितना होगा, 6 माह, ओके। देखिए दोस्तों यहाँ समझिए, बात बोल रहा है कि राष्ट्रपति संसद के स्थगन के समय, ठीक है, राष्ट्रपति संसद के स्थगन के समय अनुच्छेद पता है किसके करता है, आर्टिकल 123, ठीक है, आर्टिकल 13 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, ओके, आर्टिकल 123, ओके, जिसके प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है, ओके। इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है, संसद के सत्रों के शुरू 6 सप्ताह होता है। लेकिन पता क्या होता है, राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, कहाँ पे, देखिए राज्य सूची, ओके, राज्य सूची बात कर रहा है, राज्य सूची, ओके। जब दोनों सदन सत्र में होते हैं तब राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं होती है, ओके। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 6 सप्ताह, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, 57 बोल रहा है कि व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है। पहला ऑप्शन है तदर्थ निधि, अतिरिक्त अनुदान, अनुपूरक अनुदान और अनुदान के अनुरोध, ओके। तो इसका जो करेक्ट होगा हो जाएगा अनुदान का अनुरोध, अनुदान का अनुरोध आंसर डी होगा, ठीक है। देखिए व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद में रखा जाता है, व्यय के अनुमान, ठीक है। तो जो व्यय का अनुमान रखा जाता है ना, अनुदान का अनुरोध, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे है 58, जैसे बोल रहा है भारत में बजट का स्वरूप अनुमान तैयार किया जाता है, जो बजट का स्वरूप जो तैयार किया जाता है ना, कौन तैयार करता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष कर के केंद्रीय बोर्ड द्वारा, मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा, संबंधित आयोग द्वारा और वित्त मंत्रालय के द्वारा, ओके। तो ये जो तैयार जो किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 59, देखिए 59 बोल रहा है कि बजट एक लेख पत्र है, बजट जो क्या है, लेख पत्र है ना। पहला ऑप्शन है सरकार के मौद्रिक नीति का, सरकार का वाणिज्यिक नीति का, सरकार के राजकोषीय नीति का, सरकार के मुद्रा बचत नीति का, ओके। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो सरकार के राजकोषीय नीति का, जो क्या होता है, सरकार के राजकोषीय नीति का एक बजट जो है एक लेख पत्र है, किसका है, सरकार के राजकोषीय नीति का, ओके। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। देखिए दोस्तों क्या होता है, कोई भी कानून बनता है, कोई भी विधेयक बनता है ना, तो राष्ट्रपति की लास्ट साइन सिग्नेचर के होने के बाद ही बनता है, ठीक है। जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करेंगे है ना, तब तक वो विधेयक या कानून बनता नहीं है, है ना। फाइनली जब राष्ट्रपति उस पर साइन करेंगे है ना, उसके बाद ही विधेयक या कानून बनता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है, कोई विधेयक क्या लगाता है, कर लगाता है, टैक्स लगाता है, विधायिका में नहीं रखा जा सकता है, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है ना। तो देखिए आर्टिकल, इसमें बात करते हैं, देखिए क्या होता है, पहले समझिए यहाँ पे आर्टिकल 266, आर्टिकल किसकी बात हो रहा है, आर्टिकल 266 है ना,
आर्टिकल 266 जो है भारत का संचित निधि आर्टिकल 266 में, जिसमें सरकार की सभी मौद्रिक जो अवशिष्टियाँ जो होते हैं एकत्र रहती है ना, विधि समस्त प्रक्रिया के बिना इसमें कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकती है ना। और आर्टिकल 117 जो है आर्टिकल 117 राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। कौन सा आर्टिकल 117 के तहत। ओके, तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका ए, 60 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा आपका ए। ओके, अनुच्छेद 117 यह समझिएगा, इसमें क्या दिया है आर्टिकल 266 भी दिया है और इसमें आर्टिकल 117 दिया है, तो समझ गए यहाँ पर क्या बोला है कि यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है ना, विधायिका में नहीं रखा जा सकता है ना, विधायिका में नहीं रखने का, तो आर्टिकल 117 आता है। ओके, अब यहाँ बात कर रहा है कि आर्टिकल 266 जो है भारत के संचित निधि, ठीक है, भारत के संचित निधि किसमें आता है 266 में, जिसमें सरकार के सभी मौद्रिक अवशिष्टियाँ एकत्र रहने का विधि समस्त प्रक्रिया के बिना इसमें कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकती है। ओके, और इसमें राष्ट्रपति के सिफारिश से बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है ना, विधायिका में नहीं रखा जा सकता है, यह प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 में है। ओके, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा आर्टिकल 117। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 61 बोल रहा है कि संयुक्त भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको जमा किया जाता है, ठीक है, राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको जमा किया जाता है। पहला ऑप्शन आकस्मिक निधि, संयुक्त निधि, सामान्य विकास निधि और सार्वजनिक लेखा निधि में। ओके, तो देखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, ये जो जमा कहाँ होता है तो ये क्या होता है कि सार्वजनिक लेखा निधि में, कहाँ होता है सार्वजनिक लेखा निधि में, है ना। राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसका सार्वजनिक लेखा निधि में जमा किया जाता है ना, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सार्वजनिक लेखा निधि में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 62। इसे बोला बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है। ओके, तो किसके द्वारा करती है, पहला ऑप्शन है आकलन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति द्वारा, विशेष अधिकार समिति द्वारा, हिसाब किताब जांच समिति द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सार्वजनिक लेखा समिति के द्वारा करता है। बजट के हिसाब किताब की जांच जो होता है भारतीय संसद सार्वजनिक लेखा समिति के द्वारा जांच करती है। अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 63। इसे बोल रहा है भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है कहाँ पे है, तो पंचायती राज संस्थाओं में, राज्य विधानसभाओं में, मंत्रिमंडल में, लोकसभा में। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा पंचायती राज संस्थाओं में इनके लिए है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 64 है आगे। निम्नलिखित में से 1999 में किसके विघटन से जातीयतावादी कांग्रेस पार्टी के गठन हुआ, है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है जातीयतावादी कांग्रेस पार्टी के गठन हुआ, है ना। दिया पहला ऑप्शन शिवसेना, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, बीएसपी। तो देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर होगा ए होगा। 1999 में कांग्रेस से विघटित होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनी थी, ठीक, कौन सी, आपका शिवसेना। ओके, और इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे, शरद पवार। ओके, तीसरे इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं 65। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर आर्थिक घटकों में से नहीं है जो आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। पहला ऑप्शन है मानव संसाधन, दूसरा है भ्रष्टाचार, तीसरी है सामाजिक संगठन और चौथी है कृषि में
विक्रय बचत, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, कृषि में विक्रय बचत। ओके, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बोला था, घटकों में से नहीं है, तो नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर होगा कृषि में विक्रय बचत। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 66 में, निम्नलिखित में से कौन सा वित्त मंत्रालय का एक विभाग नहीं है। ओके, क्या बोल रहा है, किसमें वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है। ओके, इस बात पे फोकस कीजिएगा दोस्तों कि इसमें नहीं बोलता है, जहाँ नहीं बोलता है उसको अंडरलाइन कीजिएगा क्वेश्चन पेपर में, वहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मेन जरूरी ये होता है, नहीं होता जहाँ पूछता है ना। पहला ऑप्शन है व्यय, राजस्व, बैंकिंग विभाग, आर्थिक मामला, तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर जो हो जाएगा आपका वो बैंकिंग विभाग, बैंकिंग विभाग। ओके, ठीक है, होता है बैंकिंग विभाग वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है, ठीक है, जो वित्त मंत्रालय का विभाग है व्यय, राजस्व और आर्थिक मामला वित्त मंत्रालय से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 67, संसद में बजट संशोधन प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर एक रुपया करना है को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आर्थिक कटौती प्रस्ताव, नीति कटौती प्रस्ताव, आधारभूत कटौती प्रस्ताव, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। ओके, तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा नीति कटौती प्रस्ताव, नीति कटौती प्रस्ताव। ओके, देखिए दोस्तों क्या होता है, संसद में बजट संबंधित प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर एक रुपये करना है ना, को नीति कटौती प्रस्ताव कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नीति कटौती प्रस्ताव। ओके, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 68, सैद्धांतिक रूप से अधिक आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है। ओके, तो इसमें इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है, पहला ऑप्शन है सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, विश्व बैंक में वित्तीय सहायता में वृद्धि, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि। ओके, तो देखिए दोस्तों इसमें जो मेन जो इसका क्या होगा, इसका आंसर जो होगा है ना 68 का, देखिए होता है विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि है ना, विश्व बैंक में वित्तीय सहायता में वृद्धि, ये जो है सिद्धांतिक रूप से अधिक आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है ना, तो इनमें से जो एक साधारणता ध्यान में नहीं रखा जाता है, ठीक है, तो इसका विश्व बैंक में वित्तीय सहायता में वृद्धि, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि। ओके, अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं 69, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन थे, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था है ना, तो देखिए इसका करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा आपका, पहला जो कानून मंत्री थे कौन थे, के एम मुंशी, एस पी मुखर्जी, बलदेव सिंह और बी आर अम्बेडकर। ओके, तो पहला कौन थे, बी आर अम्बेडकर, इसलिए इसका आंसर होगा डी, बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट है 70 क्वेश्चन नंबर, भारत में 1975 ईस्वी में चालू की गई एकीकृत बाल विकास योजना जिसे कहते हैं ICDS किसकी द्वारा लाई गई है, शिक्षा मंत्रालय, HRD मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय। ओके, तो इसमें जो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा HRD मंत्रालय है ना, HRD मंत्रालय है ना, बाल विकास सेवा योजना है ना, ये लाई गई थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा HRD मंत्रालय। ओके, अच्छा 1975 ईस्वी में किया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 71, 1991 की औद्योगिक नीति की अनेक बिंदुओं पर आलोचना हुई थी, निम्नलिखित में से कौन सब एक बिंदु उनमें से नहीं था, पहला ऑप्शन है अनिश्चित औद्योगिक विकास, विदेशी प्रतियोगिता से खतरा, कृषि सेक्टर की उपेक्षा और विदेशी निवेश में गलत विश्वास है ना, तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर होगा दोस्तों, देखिए क्या होगा यहाँ पे, 1991 में जब औद्योगिक नीति के अनेक बिंदुओं पर आलोचना हुई थी उनमें से एक बिंदु जो था है ना, जो उनमें से नहीं था, कृषि सेक्टर की उपेक्षा ये नहीं थी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर सी हो जाएगी। ओके,
कृषि सेक्टर में उपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ा है 72 बोल रहा है कि भारत सरकार द्वारा शेयर का पूंजी निवेश के लिए रंगराजन समिति की नियुक्ति कब की गई थी। रंगराजन समिति की नियुक्ति कब की गई थी, है ना। पहला ऑप्शन 1991, 1993, 1999 और 2004। तो भारत सरकार द्वारा जो शेयर की पूंजी विनिवेश के लिए 1993 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1993 में रंगराजन समिति गठन किया गया था। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1993। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 में भारत में राज्य सरकारों में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः राजस्व कर का भाग नहीं है। राजस्व कर का भाग नहीं है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बार बार बोल रहे हैं नहीं है, इस पर फोकस कीजिएगा। ओके, तो नहीं है। ओके, भूमि राजस्व, पंजीकरण शुल्क, सीमा शुल्क और वाणिज्यिक कर, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, है ना, वही क्या होता है, सीमा शुल्क जो होता है भारत में राज्य सरकारों के राजस्व का भाग नहीं होता है, ठीक है, सीमा शुल्क। तो इसमें पूछ रहा है नहीं होता है, तो इसका हो जाएगा आपका सीमा शुल्क, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च, 18 अप्रैल, 27 सितंबर, 10 दिसंबर, है ना। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि विश्व उपभोक्ता दिवस जो है, अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो मनाया जाता है वो मार्च में, है ना। तो कितने मार्च को, 15 मार्च को, इसका आंसर हो जाएगा ए, 15 मार्च को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, 75 है, सबसे लास्ट क्वेश्चन 75 आज का होगा, है ना। क्या क्वेश्चन, सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था ब्रिक, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, इसे कहते हैं ब्रिक। ओके, में दक्षिण अफ्रीका कब सम्मिलित हुआ, फिर बना क्या बन गया, ब्रिक्स। ओके, पहले था ब्रिक, फिर बन गया, इसमें एस जुड़ता है, साउथ अफ्रीका जुड़ता है। ओके, तो साउथ अफ्रीका इसमें कब ऐड होता है ब्रिक में। ओके, 1999, 2001, 2008 और 2011। ओके, तो देखिए दोस्तों क्या होता है, जो ब्रिक जो है इसमें कौन कौन देश थे, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, ये चार देश हुआ करते थे। ओके, तो क्या होता है, साउथ अफ्रीका जो है आपका, दक्षिण अफ्रीका है, ये 2011 में इसका एक सदस्य बनता है, सम्मिलित होता है किसमें, ब्रिक में, और क्या बनाता है ये, फिर ये बनाता है ब्रिक्स। ओके, इसमें ऐसे होता था, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2011, तो 2011 में ही एड होता है। ओके, तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। तो आज हम लोग 25 क्वेश्चन कवर किए हैं, है ना, 25 क्वेश्चन कवर किए आज हम लोग, देख लिए पार्ट थर्ड। ओके, तो पार्ट थर्ड यहीं पे ख़त्म करते हैं, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं पार्ट फोर के साथ में, तो आज के लिए बस इतने करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पार्ट थर्ड हो गया, हम लोग पार्ट फोर के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप JPSC की तैयारी कर रहे हैं, अगर सीरियस पेरेंट्स हैं, है ना, तो आप जाइए सिलेबस पर, सिलेबस आपका डिस्क्राइब किया हुआ फुल डिटेल में, है ना। इसमें जो वीडियो बना हुआ है, एक्चुअली क्वेश्चन टाइप करने में दिक्कत होता है, इसलिए इसको हम आपको फ़ोन पे दिखा रहे हैं, है ना। और जो क्वेश्चन को हम सिलेबस को जो कवर किए हैं, मोस्टली जो कवर किए हैं वाइट बोर्ड पे आपको समझाएं बताए हैं, लाइन बाय लाइन बताए हैं, है ना। तो आप वहाँ पर जाइए, ध्यान से देखिए, आप समझिए, है ना। किसी भी एग्ज़ाम पेपर का जो मेन जो होता है, है ना, उसका जो मेन जो की पॉइंट होता है, मेन जो उसका होता है, क्या होता है, उसका सिलेबस होता है। ओके, सिलेबस होता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप पहले सिलेबस देखिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ओके, जिसमें हम देख रहे हैं 2013 का देखेंगे, 2010 का, 8 का, है ना, 16 का, ये सारे कवर करवाएंगे, फिर 2021 का, सारे जितने हैं सारे कवर करवाएंगे। अभी प्री का देख रहे हैं, उसको फिर हम लोग देखेंगे मेंस का। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। कोई भी कन्फ्यूजन हो सकता है, कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करें, है ना। ओके, तो आज वैसे नहीं करते, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।